ધોરાજી તાલુકાના પ્રાંસલા ગામે રાષ્ટ્ર શિબિરનું ભવ્ય આયોજન. ભારત દેશ યુવાનોનો દેશ છે અને આ યુવાનો મારા રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ભાવના વિકસિત થાય તેવા હેતુથી 19 વર્ષની રાષ્ટ્ર કથા શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. વૈદિક મિશન ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે સ્વામી બંધુ ધર્મબંધુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ તારીખ 23 માર્ચથી 31 માર્ચ સુધી રાષ્ટ્ર કથા શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દેશના જાણીતા શિક્ષણ સાથે વૈજ્ઞાનિકો તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો ખાસ ઉપસ્થિત રહી યુવાનોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે. પ્રાંસલા ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્ર કથા શિબિરમાં દેશના જુદા જુદા 26 રાજ્યોના 16,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે. ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓને આર્મી, નેવી, સીઆરપીએફ, કોસ્ટગાર્ડ, બીએસએફ સાધનોનું નિદર્શન યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે ભારતે મેળવેલી સિદ્ધિઓને લઈને પણ વિદ્યાર્થીઓને વાકેફ કરવામાં આવશે. સ્વામી ધર્મબંધુ સર, એ પ્રાસલા ગામ મેં કિતને સાલો સે આપ જો રાષ્ટ્ર કથા કા આયોજન કર રહે હૈ? યે ભી ઇસ સાલ 21વાં શિબિર હૈ, 2002 સે પ્રારંભ કિયા થા. ઓર યહાં પે કિતને લોગ આ રહે હૈ સર? પ્રતિવર્ષ 10 થી 15 હજાર કે લોગ આતે હૈ, હર સાલ આતે હૈ, એવરી યર આતે. ઓર યહાં પે ટેન્ટ મેં ક્યા ક્યા લગા હુઆ હૈ સર? યહાં ટેન્ટ મેં ઉનકો રહેને કી ફેસિલિટીઝ હોતી હૈ, પક્કે મકાન ભી હૈ, શેડ હૈ. और जो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, इंडियन नेवी की टीम है, वो सब क्या काम करती है? ये सब बच्चों को अपना मोटिवेट करते हैं, देश के लिए समझाते हैं. इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इसरो के लोग हैं. यहाँ सभी लोग अपना एग्जीबिशन लगाते हैं, दिखाते हैं और बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं. सर आपका नाम? हिमांशु सिंह. सर अभी अभी इंडियन नेवी में कहाँ कहाँ पे रेस्क्यू किया है? एज फार एज नेवी इज कंसर्न, नेवी हैज नॉट ओनली सेफ गार्डेड द मैरिटाइम सर्विसेज ऑफ द इंडिया, बट ऑल्सो इट हैज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द वेरियस फ्लड रिलेटेड एरियाज, इन द सुनामीज, इन द नेचुरल, बेसिकली इन द नेचुरल डिजास्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वर्कड इन द एजुकेशनल फील्ड, कल्चरल फील्ड एज वेल एज द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया. आपका नाम? मेरा नाम दिनेश तोमर, MP1. ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच. ठीक है सर, ये इंडियन आर्मी नेवी का काम काज क्या होता है? देखिए, 7516 किलोमीटर की सीमा रेखा, इसको हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं. भारतीय नौसेना एक मिलिट्री ऑपरेशंस है एंड जल से जो वार करे उसको नेवी कहते हैं. हम लोगों ने हर तरह के फ्लड ऑपरेशंस, कहीं बाहर देश में किसी को रिक्वायरमेंट पड़ता है, मर्चेंट नेवी को कुछ रिक्वायरमेंट पड़ता है, सब लोग को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अपने देश की जितनी जरूरतें हैं उसको हम पूरा सा सिक्योर कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश को और मजबूत बनाया जा सके. सर, ये प्रांसला गांव में जो राष्ट्र कथा शिविर है उसमें आप कितने साल से आ रहे हैं? इसमें हम काफी सालों से आ रहे हैं और ये 21वां इसका है, तो 21 सालों से आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपको काफी रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जी आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जी यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यहाँ पे काफी सारे गाँव के लोग आ रहे हैं जिनको हम प्रेरणा दे रहे हैं कि भारतीय नौसेना ज्वाइन करो, अपने देश की सेवा करो. एक बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पे आप अपनी देश सेवा कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा योगदान है अपने देश की समृद्धि के लिए.